दोस्त, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉप नाइन। दोस्तों, मैं जानती हूं आप सभी हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई, इंतजार वो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी तमाम टॉप नाइन खबरों से जो मैं आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर बॉलीवुड से जुड़ी तमाम टॉप नाइन हॉट स्पाइसी चटपटी खबरों पर। मिस यूनिवर्स और दिलबर गर्ल कहलाए जाने वाली सबसे फिट एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि सुष्मिता सेन इन दिनों अपने से 15 साल छोटे मॉडल रोमन शॉल को डेट कर रही है और खबरों की माने तो ये दोनों अब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। जी हाँ, दरअसल ये दोनों एक ही कमरे में साथ रहते हैं और इस बात की मंजूरी सुष्मिता सेन के पिता ने भी दे दी है। वेल, अब इंतजार है तो इन दोनों की शादी का। तो वही सुष्मिता ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बार फिर से अपने बॉयफ्रेंड रोमन के साथ एक तस्वीर शेयर की है। डिनर के दौरान की तस्वीर है जिसमें एक विदेशी शेफ सुष्मिता के पिता और बॉयफ्रेंड रोमन नजर आ रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि सुष्मिता के पिता ने सुष्मिता और रोमन के रिलेशनशिप को, रिश्ते को मंजूरी दे दी है। वेल, अब कहा जा रहा है कि सुष्मिता सेन भी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। बॉलीवुड की फैशन दीवा कहलाए जाने वाली एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि साल 2018 में सोनम कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी रचाई थी और शादी के बाद सोनम कपूर अपने पति आनंद के साथ काफी क्वालिटी टाइम भी बिताती हुई नजर आती है। तो वहीं हाल ही में सोनम और उनके पति आनंद की एक तस्वीर सामने आई है जहां पर आनंद ने सोनम को कमर से पकड़ा हुआ है, कमर में हाथ डालकर अपनी पत्नी के साथ बेहद ही रोमांटिक पोज देते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि सोनम और आनंद आहूजा का प्यार साफ साफ देखने को मिलता है। अक्सर ये दोनों अपनी रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए नजर आते हैं। नवाबों के नवाब सैफ अली खान और उनकी एक्स पत्नी अमृता सिंह की लाडली बेटी सारा अली खान अपनी सुंदरता के लिए काफी ज्यादा चर्चा में बनी रहती है। सारा अली खान कितनी खूबसूरत है ये तो हर कोई जानता है, अब वो नेशनल क्रश भी बन गई है। लेकिन क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि पटौदी खानदान की बेटी सारा अली खान कितनी ज्यादा डाउन टू अर्थ है? और हाल ही में उनकी तस्वीर सामने आई है जिसमें वो इतनी सस्ती ड्रेस पहने हुए नजर आई है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, हाल ही में सारा अली खान एक इवेंट के दौरान एक ऐसी ड्रेस पहनकर पहुंची जिसकी कीमत ने लोगों को हैरान कर दिया। सारा ने गुलाबी रंग की शर्ट के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। इस शॉर्ट को सारा ने ऑफ शोल्डर कैरी किया हुआ था जबकि स्कर्ट फ्लोरल थी। सारा की ये ड्रेस उनकी कीमत की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। सारा की ये ड्रेस ब्रिटिश फैशन रिटेलर टॉप शॉप की है जिसकी कीमत महज 643 बताई जा रही है। जी हाँ, ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ 643 की है जिसकी कीमत जानकर सारा अली खान के फैंस भी काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि जितना बड़ा कोई स्टार बन जाता है, जितना बड़े खानदान से वो होता है, तो उतने ही महंगे कपड़े पहनते हैं। लेकिन सारा अली खान काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ है और उनके इस ड्रेस की कीमत जानकर उनके फैंस भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। बॉलीवुड में अगर कोई एक्ट्रेस सबसे ज्यादा फिट है तो सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है 45 की मलाइका अरोड़ा का। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा
तलाकशुदा है, अरबाज से वो तलाक ले चुकी है, तो वही उनका एक बेटा भी है। और बुढ़ापे में मलाइका अरोड़ा जिस तरह से अपने आप को फिट रखती हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। इसी के साथ आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा अरबाज खान से तलाक के बाद अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं और अर्जुन कपूर के साथ उनकी शादी की खबरें भी खूब आसमान छू रही है। और इसी बीच मलाइका अरोड़ा का जिम लुक सामने आया है, जहां पर वो ब्लू टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए बेहद ही खूबसूरत और हॉट अंदाज में नजर आई है। मलाइका अरोड़ा शॉर्ट्स पहनकर कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर को अपना दीवाना तो बना ही रही है। अर्जुन कपूर मलाइका के प्यार में इतने दीवाने हो गए हैं कि अब अर्जुन और मलाइका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इस टैग को हटाकर पति पत्नी बनना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी साल 2019 अप्रैल तक ये दोनों शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और उनकी पत्नी किरण को अलग होते हुए देखा गया। जी हाँ, दरअसल पति पत्नी अब अलग हो चुके हैं। अरे अरे घबराइए मत, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल हाल ही में आमिर खान ने एक पार्टी होस्ट की, लेकिन इस दौरान आमिर खान अलग गाड़ी से आए और उनकी पत्नी अलग गाड़ी से आई। वह ये पति पत्नी अलग अलग क्यों आए ये तो हमें पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर यही चर्चा हो रही है कि आखिरकार जब ये दोनों पति पत्नी है तो आखिरकार ये अलग अलग गाड़ी में इस पार्टी में शामिल क्यों हुए थे। आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो। लाइट ब्लॉक हो रहा है अभी अभी सर अभी सर एक मिनट पड़े अमित सर यहाँ पे सामने सर समोर अमित सर समोर सर यहाँ पे है कैमरा अमित सर राइट अमित सर अमित सर वर साहब साहब वर थैंक यू थैंक यू नंबर किरण मैडम एक सेकंड राइट साइड किरण मैडम राइट राइट कम ऑन मैम दिस कैमरा राइट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत एक दूसरे को डेट कर रहे थे, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन हाल ही में इन दोनों को लेकर ऐसी खबर सामने आई थी कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी कृति सनन को देर रात सुशांत सिंह राजपूत के घर जाते हुए स्पॉट किया गया। जी हाँ, 21 दिसंबर को सुशांत पूरे 33 साल के हो गए हैं। सुशांत सिंह के अपार्टमेंट के बाहर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कृति सनन को स्पॉट किया गया। खबरों की माने तो अगस्त 2018 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हालांकि उसके बाद भी दोनों के रिश्ते काफी अच्छे हैं, दोस्ती अभी भी कायम है। बर्थडे के मौके पर कृति सनन उन्हें विश करने उनके घर पर देर रात मौजूद हुई थी। इस दौरान कृति टॉप और ट्रैक पैंट पहन रखे थे। व्हाइट शूज के साथ कृति काफी कैजुअल लुक में नजर आई और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई दी थी। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की बहन और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसके बाद से परिणीति चोपड़ा की काफी ज्यादा खिल्ली उड़ती हुई नजर आई है। जी हां, दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिनेमा म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस दौरान बॉलीवुड के कई बड़े हस्तियां मौजूद रही, तो वहीं परिणीति चोपड़ा भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी और पीएम मोदी से मुलाकात की। लेकिन परिणीति कुछ इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली कि सोशल मीडिया पर परिणीति चोपड़ा काफी बुरी तरह ट्रॉल हो गई। जी हां, परिणीति चोपड़ा ने पीएम से मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की। परिणीति से मिलते वक्त नरेंद्र मोदी ने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो वहीं परिणीति चोपड़ा नमस्ते करती हुई दिखाई दे रही थी और इसी वजह से सोशल मीडिया पर यूजर्स ने
परिणीति चोपड़ा को जमकर ट्रोल किया है। जैसा कि आप इन कमेंट्स में देख सकते हैं कि परिणीति चोपड़ा की किस तरह से सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ाई जा रही है। दो साल के नन्हे तैमूर अक्सर ही अपनी क्यूट तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, लेकिन हाल ही में तैमूर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें वो बिलक बिलक कर रोते हुए दिखाई दिए हैं। तैमूर अली खान की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें नन्हे तैमूर रोते हुए नजर आए हैं। वहीं पापा सैफ अली खान उन्हें चुप कराते हुए दिखाई दिए हैं। स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट और ऑरेंज शॉर्ट्स में तैमूर बेहद क्यूट अंदाज में नजर आए हैं और वो रोते हुए भी इतने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तैमूर की क्यूटनेस को लेकर तरह तरह के कमेंट्स भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि बाप और बेटे की बॉन्डिंग देखकर सोशल मीडिया पर वाकई काफी ज्यादा इन दोनों को प्यार मिल रहा है। हर कोई कह रहा है कि अगर बॉन्डिंग हो तो सैफ और तैमूर जैसी हो। सैफ अली खान जिस तरह से अपने बेटे तैमूर अली खान को चुप करा रहे हैं वो वाकई काफी ज्यादा क्यूट नजर आया है। बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस और यूपी बिहार को लूटने वाली शिल्पा शेट्टी इन दिनों खूब चर्चा में बनी हुई है। सिर्फ यूपी और बिहार ही नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी ने तो हर किसी को अपनी सुंदरता से, अपनी फिटनेस से सबको अपना दीवाना बना दिया। वो गाना तो आप सभी को याद ही होगा, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। जी हाँ, सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी अपने हुस्न के जलवों से हर किसी को अपना दीवाना बना चुकी है। लेकिन अब शिल्पा शेट्टी किसान बनने पर मजबूर हो गई है। दरअसल शिल्पा ने अपने घर पर किचन गार्डन बना लिया है जहां वो फल और सब्जियां उगा रही हैं। लंबे समय से वो खेती कर रही हैं और अब वो वक्त आ गया है कि फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें खा सके। शिल्पा ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो अपने किचन गार्डन के ऑर्गेनिक फल और सब्जियां दिखाती हुई नजर आई है। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी तमाम टॉप 9 खबरों से रूबरू करवाया। ये वो खबरें हैं जो इस वक्त टॉप 9 पोजीशन में अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, पर आप बॉलीवुड से जुड़ी कई तमाम हॉट स्पाइसी चटपटी खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।